कितना लंबा रास्ता है ना। साल ही आए हैं कबूतर की, पर हमारा हो गया पोपट, ये सब बंद है। ट्यूसडे को मेंटेनेंस रहती है, इसलिए ट्यूसडे को बिल्कुल ना आए यहाँ पे। रही है ये, सिर्फ एक बार में चार ही लोग जा सकते हैं इस पे। इन दोनों का ध्यान रखो जरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्यों बैठे हो घर में, जल्दी आओ। तो हमारी गाड़ी जो है पीछे से ठुक गई और ट्रिप की हो गई ऐसी तैसी। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा लेंसडाउन में सेकेंड डे है और ये आएगा आपको पार्ट टू में। तो जिसने पार्ट वन नहीं देखा पहले वो देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही कैंडी बची है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग राधे राधे। मजा आ रहा है बुबू को? बुबू को मजा आया? मजा आया बुबू को? कैसी है चाय? सही है, मेरे हिसाब से मीठी नहीं है लेकिन जितनी होनी चाहिए। अरे पूरा तुम्हारा सैशे डाला मैंने, ये तुम्हें तो चीनी कितनी चाहिए तभी हलवाई जैसा पेट बढ़ता जा रहा है। चाय हमने पी ली है, फ्रेश हो लिए हैं, शार ले लिया है। वो जाते हैं तैयार फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने एक क्रीम लगाई है सिर्फ, और उसके ऊपर से लगाई है लिपस्टिक क्योंकि मेकअप मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, शौक बहुत है करने का। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी लाइनर, और ये हो गया लाइनर, ये हो गया बस। और करना क्या है, बस सिंदूर और लगाना है और मैं हो जाऊंगी तैयार। ये और एक मेन चीज़ तो रह गई, इयररिंग्स। इसका तो मुझे बहुत ही शौक है। ये देखिए कैसे लगे मेरे इयररिंग्स, तो अभी आपको डाल के दिखाती हूँ फटाफट से। ये देखिए है ना अच्छे। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, सब रेडी हो चुके हैं। ये देखिए फटाफट चलते हैं तैयार, और मेरे बच्चे भी हो गए हैं तैयार। हमें ये रूम कितने का पड़ा है? हमें ये रूम पड़ा है लगभग 2200 रुपये के आसपास का है। 2200 जो ऑनलाइन बुकिंग करके 2200 प्लस खाना वाना सब अलग है बुक। उसमें ब्रेकफास्ट नहीं था, ब्रेकफास्ट का शायद मिला के 2800-2900 का, तो हमने लिया नहीं था। यहाँ की सर्विस कैसी लगी तुम्हें? सर्विस ठीक है, मतलब टाइमली सर्विस है। मतलब हमने चाय मंगाई, 15 मिनट में आ गई थी चाय, और ऐसा हमने बहुत ज़्यादा सर्विस तो कोई यूज़ नहीं करी। डिनर किया था तो रूम में देने आ गए थे, तो हमने बोला था कि भी हमें डाइनिंग एरिया में ही करना है क्योंकि बच्चे थोड़ा गंदगी मचाते हैं, तो आराम से बैठ के खा लेते हैं। हाँ, तो डाइनिंग एरिया में थोड़ा ढंग से भी खा लेता आदमी, तो ये सोच के हमने फिर वहीं खाया था। तो सही है सर्विस, मतलब तो बहुत ज़्यादा तो हमने यूज़ किया नहीं कभी, बट ठीक लगा, जितना भी हमने यूज़ किया सही लगा। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं चेकआउट करके, और बाकी देखो कितना बिल बनता है खाने वाने का, फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी। इस रेस्टोरेंट में हमारा 2200 रुपए का तो रूम का था पर नाइट का, और 1200 रुपए हमारा खाना पीना, मतलब नेविगेट मी टू टिप एंड टॉप पॉइंट। 1000 रुपए लगे हमारे डिनर के और 200 रुपए लगे हमारे चाय के सुबह। तो अब हम चल रहे हैं सबसे पहला पॉइंट पे, टिप एंड टॉप पॉइंट पे, वहाँ पे जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हमने चाय वाय के साथ हल्का फुल्का कुछ खाया था, तो चलते हैं। यहाँ देखो ये क्या नाम है यार, कहीं फोटोग्राफी अलाउड ना हो यहाँ। ये जो है ये गढ़वाल रेजिमेंट का, ये सर यहाँ पे तो चलो फिर यही है पक्का। नोट क्या मुड़ा तो है ये देख, छोटे छोटे बंदर मंकी आ गए, मंकी पागल ने बेवकूफ बना दिया। चर्च है और चर्च के साथ में जा रहा है ये रोड। अच्छा तो यहाँ पे टिकट लगी है हमारी 20 रुपीज़ पर पर्सन, और बच्चों का कुछ नहीं लगा है। बात कर रहे थे बंद है। ओके जी।
तो ये है हमारा टिप एंड टॉप पॉइंट। नीचे वो भी देखो, वो भी पूरे गांव के गांव दिख रहे हैं। मुझे दिखाओ जरा एक बार। कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से, दूर दूर तक का इतना बढ़िया दिख रहा है। मतलब सब घर छोटे छोटे दिख रहे हैं एकदम चुन्नू चुन्नू से, शायद फ़ोन में कैमरे में इतने अच्छे से दिखाई भी ना दे। तो बहुत ही सुंदर व्यू है और उसके बाद हमने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे क्लिक की जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम जाएंगे सेकंड पॉइंट पे जिसका नाम है भूला ताल, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे बोटिंग करेंगे। तेरी कितना बड़ा झूला है। पर हमारा हो गया पोपट, ये सब बंद है, ट्यूसडे को मेंटेनेंस रहती है इसलिए ट्यूसडे को बिल्कुल ना आए यहाँ पे। और झील का है यहाँ पे बोटिंग होती है ना, वहाँ पे है, वहाँ पे। तो ये है भूला ताल और यहाँ पे होती है बोटिंग जो कि आज बंद है, ट्यूसडे है क्योंकि, तो आप कभी भी मत आना ट्यूसडे को। तो हमारा तो हो गया है पोपट, आपका भी ना हो इसलिए बिल्कुल ना आए। नहीं झूला झूल लें, तुम तो झूले हो, पहले बताओ अपना एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस तो दोनों ही सही है, बोटिंग करके भी अच्छा लगता है। हाँ, बोलो, बोटिंग बोलो। करके थक जाता आदमी लेकिन अच्छा लगता है काफ़ी। और दूसरा जो झूला डला हुआ ना इस पेड़ के ऊपर, बहुत लंबा झूला है, जब इस पे हम झूलते हैं तो एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है और जब ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि मज़ा सा आ रहा है, कई घंटे मतलब रुको ही मत, झूलते रहो घंटों घंटों झूलते रहो, मन ही नहीं भरता, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो मज़ा आता है इसमें। ट्यूसडे को ऑलमोस्ट सभी बंद चीज़ें बंद रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि जो मार्केट है ना वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ खुला नहीं हुआ था, मार्केट भी बंद ही थी इस टाइम पे, इवनिंग का तो पता नहीं। ब्रेकफास्ट तो ढंग से किया नहीं था इसलिए भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, तो हम रास्ते में रुक गए हैं और अब लंच का ही टाइम हो गया है तो लंच कर लेते हैं। पनीर बटर मसाला, दाल तड़का, रायता, रोटी, सलाद और व्यू। और हम तो लंच हमने कर लिया, सबसे पहले आपको टिप टॉप जो पॉइंट था वो मैं हमने दिखा दिया और भूला ताल है यहाँ पे वो बंद था जैसे कि बताया, तो वो पॉइंट तो हम देख ही नहीं पाए। अब यहाँ बचा है, अब हमने कर लिया यहाँ पे, लंच किया है यहाँ पे जिसका व्यू काफ़ी अच्छा था, सिद्धांत रेस्टोरेंट में। ये जब आप भूला ताल से वापस जाओगे ना ताड़केश्वर महादेव की तरफ तब ये बीच में पड़ेगा। खाना बहुत बढ़िया है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमने यहाँ पे लंच किया और अब चल रहे हैं ताड़केश्वर मंदिर में, तो वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे, चलते हैं अब आगे। साउंड सुन रहे हो? हाँ। दूर दूर तो हवा आ रही है चीड़ के पेड़ों से टकरा के। हवा कितनी हल्की और देखो किसी एक अच्छी सी महक है, सुगंध है इस हवा में, भीनी भीनी सी सुगंध है जो आपको शहर में कभी भी नहीं मिल सकती। फेफड़ों को ऐसे लग रहा है जैसे जोर ही लगाना पड़ रहा है, अपने आप अंदर जा रही है सांस, मजा आ रहा है, है ना? व्यूअर्स को बोलो क्यों बैठे हो घर में, घूमने घर में जल्दी आओ। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो पिलर हैं देखो कैसे काफी इनमें दरारें आ चुकी हैं, और ये रोड देखो ना, और ये रोड देखो, सरकार को इस पे मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा खासा डोनेशन मंदिरों से आता, सरकार को हमारे मंदिरों का जो पैसा है हमारे मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगाना चाहिए। ऐसी हालत जो है, ये रिपेयर मांग रहा है साइड में जो इसके रेलिंग्स लगी हुई है। कितना लंबा रास्ता है ना। तो ये देखो दोस्तों ये देवदार के पेड़ है, इनके तने पे भी
ये एक अलग तरह का पौधा या कहो बेल टाइप लग रहा है मुझे, ये देखो बेल के इसमें दिख रही है, ये बेल अलग से चढ़ रही है इसके ऊपर, ये देखो ये हैं भाई देवदार के पेड़। शायद मैं ठीक हूँ, देवदार ही हो, अगर गलत हो तो कमेंट करना। पूरा पेड़ देखो वो जड़ है वहां से ऐसे गिरा है। अरे हाँ ये जड़, ये देखो लोग दोस्तों अगर आप देख सकते हो तो देखो इसकी जड़ से उखड़ गया है, या तो इसकी जड़ में कोई बीमारी लगी या फंगल लगा क्या लगा, इसको कमजोर होके गिर गया है पेड़। ये देखो तना पड़ा हुआ है पूरा यहाँ पे। हाँ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री ताड़केश्वर महादेव। अब हमें यहाँ वीडियो बनानी बंद करनी पड़ेगी महादेव का। ये देखो महादेव जी बैठे हैं ऊपर, महादेव जी ऊपर बैठे हैं ध्यान अवस्था में अपनी। हाँ ये शिवलिंग है, और नंदी महाराज बैठे हैं। हर हर महादेव, दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी घंटियाँ, कहते हैं कि जो मन्नत मांगते हैं वो बांध के जाते हैं, है ना, सैकड़ों साल पुराने होंगे। ये है देवदार के पेड़, यानी तो मोटी बोलते हैं, मोटी है, मोटी बोलते हैं, मोटी हमारे यूपी में इसे बोलते हैं घुग्गी, घुग्गी है, घुग्गी है, घुग्गी कबूतर की रिश्तेदारी लग रही है। हाँ बिल्कुल, साल ही आए कबूतर की। ऐसा ही कुछ था ना राज फिल्म की शूटिंग में, ऐसे ही लंबे लंबे से पहाड़ जैसे पेड़, और रात को भी पाशा बाजू पागलों की तरह घूमती थी। यहाँ ताड़केश्वर महादेव के पास में ही नीचे धर्मशाला बनी हुई है, और कई सारी धर्मशालाएं, देखो इधर भी दिखाओ, इधर भी धर्मशाला है, ये एक धर्मशाला है, और ऊपर भी है धर्मशाला पीछे उस तरफ, वो जो दिख रही है पीछे, पीछे उसके। तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, जैसे अभी तो बिल्कुल खाली टाइम है, तो ऐसे टाइम पे तो आराम से इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे वो मतलब महिलाओं के लिए स्नान घर भी है ये। हाँ क्योंकि यहाँ पे पुरुष के लिए है, तो यहाँ महिलाओं, लेकिन ये काफी अच्छी कंडीशन में लग नहीं रहा मुझे, बट धर्मशाला है, यहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स में रुक सकते हैं। ठीक है चलो। अरे वाओ, इसमें पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं, देखो देखो ऊपर, अरे कहीं पैर से पत्थर लग रहा है ऊपर आके लगा रही गाड़ी का। तो मेन यहाँ पे तीन ही पॉइंट थे देखने के, जो हम तीनों जा चुके हैं तीनों पे, जिसमें से एक बंद था। तो अब हमने पहाड़ों वाली मैगी तो खाई नहीं थी, तो हमने वही ऑर्डर करी है। बच्चे नदी में खेल रहे हैं, पानी जो है अभी कम है नदी में, क्योंकि बारिश का टाइम नहीं है, बारिश के टाइम पे काफ़ी अच्छे भर के आती है। तो मैगी का इंतजार करते हैं, पहाड़ों की मसालेदार मैगी और साथ में व्यू नदी के पानी की, कलकलाहट, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और यहाँ पे बच्चे हाथ धो रहे हैं और मैगी हमारी तैयार है। तो मैगी हमने खा ली है, और ये रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हम मैगी खाने रुके थे। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, ऊपर पहाड़ है, नीचे साइड में नदी बह रही है, और जो यहाँ का सबसे अच्छा मौसम है ना आने का, वो है बारिशों का, जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त में आप यहाँ आएंगे तो ये नदी जो है पूरी ऊपर तक भर के चलती है, व्यू बहुत अच्छा आता है। और इस रिज़ॉर्ट में भी आप रुक सकते हैं, और जिस रिज़ॉर्ट में मैं रुकी थी उसका मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से बुक भी कर सकते हैं। वो होटल मुझे सही लगा, क्योंकि जो उसका प्राइस था ना वो बहुत सही था। लैंसडाउन में आपको ना 3-4 हज़ार से कम बता रही हूँ, 3-4 हज़ार से कम कोई भी होटल नहीं मिलेगा। वो मुझे उसका रेट बहुत सही लगा, एक वो लैंसडाउन से 15 किलोमीटर पहले ही था, तो शायद इस वजह से भी, लेकिन बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। जैसे ही वहाँ से निकले तो हमारी गाड़ी जो है पीछे से ठुक गई, और ट्रिप की हो गई ऐसी तैसी। अच्छा खासा ट्रिप था, बहुत अच्छा ट्रिप था, और अब बहुत अच्छी थी, लेकिन मूड एकदम ऑफ हो गया है, क्योंकि
प्लान था कि हम वहाँ रुक भी सकते थे आज, लेकिन गाड़ी ठुक गई तो मूड एकदम ऑफ हो गया। अब देखो यहाँ पे रुके हैं एक जगह खाना खाने के लिए, फिर घर पहुँचेंगे, तो मूड हो गया है ख़राब। तो अब का हम व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।